ये आज मेरे साथ हमारी रामलीला के अनन्य सेवक और हमारे राम मंदिर के प्रबंधक रमेश बांगा जी बैठे हैं। इनकी सेवाओं को प्रणाम है। आज थोड़ा इनके बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि इनके पूज्य पिताजी जो हमारे रामलीला के अंदर बड़ी सेवा करके गए, उसके बाद सारे भाई लगे हुए हैं। रमेश बांगा जी अपने विचार हमारी स्टेज के लिए, हमारे क्लब के लिए कुछ रखेंगे। बोल श्यापति रामचंद्र महाराज की जय। मैं रमेश कुमार बांगा, सन ऑफ श्री मोहन सिंह बांगा। मेरे पापा जो पाकिस्तान से आए थे और यहाँ रामलीलाएं होती थी, अपने उस्ताद नंदलाल जी की स्टेज पे, जो हमारे हैंडलूम की सारी जन्मदाता हमारे उस्ताद नंदलाल जी हैं, और ये स्टेज भी हमारे उन्हीं के माध्यम से बनी थी। तो हमारे पापा उस टाइम अंगद का रोल करते थे, दर्योधन का करते थे, जालिम खान दास्तान जुलम में और भी काफी रोल करते थे, मेघनाथ का। तो उनको हम देखते थे, छोटे छोटे होते थे, तो हमारा भी बड़ा दिल करता था कि हम भी कभी स्टेज पे सेवा करें, पर हम छोटे होने के कारण जा नहीं पाते थे। पर हम धीरे धीरे, पहले बंदर बनते थे, छोटे छोटे बंदर, जब ये मदारी नचाते हैं, फिर राम जी की सेना में छोटे छोटे बंदर बनते थे, उन बंदरों को बनते बनते फिर हम अपने पापा के साथ जाते थे, उनको देखते थे। तो हमारा बड़ा दिल करता था कि हम भी अंगद बने, दुर्योधन बने, जालिम खां बने। तो वो तो ना बन पाए, फिर हम लोग धीरे 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 धीरे, हमें मंत्री का रोल दिया हमारे श्री बाबू लालचंद जी, जो हमारे डायरेक्टर होते थे उन्होंने, और हमारे मास्टर तिलोक जी ने, इन्होंने जो हमारे बुजुर्ग सब कलाकार थे, इन्होंने हमें सिखाया। सबसे पहले पहले इन्होंने मेरे को जनक का रोल दिया, तो जनक का रोल दिया, इन्होंने मेरे को सिखाया, और मेरा जनक का रोल भी बहुत अच्छा गया। फिर मैंने अंगद का रोल किया, हनुमान का भी मैंने काफी साल रोल किया। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि भगवान ने हमें इस लायक समझा कि हम स्टेज पे, हम कलाकार तो हैं नहीं, हम स्टेज पे सेवा कर पाए हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप जब 10 दिन रामलीला में आते हो तो आपका अपने आप भावना कैसी जागृत होती है? देखो जी, जैसे ही हमारे राम मंदिर में हनुमान जी के 40 दिन के व्रत बैठते हैं ना, तो हमारा मन ऐसे गदगद हो जाता है, हमें ऐसे लगता है जैसे कि हम पानीपत में नहीं, हम किसी स्वर्ग लोक में रहते हैं। चारों तरफ तपस्या ही तपस्या, और भगवान के श्री राम जी के जयकारे लगते हैं, और जय होवी जय होवी, जय जय हनुमान वीर, जय हनुमान वीर के नारे होते हैं। तो हमें ये लगता है हम लोग ना यहाँ पानीपत ना रह के या तो स्वर्ग रहते हैं या अयोध्या में रहते हैं, जैसे राम जी का, मतलब साक्षात राम जी का ही राज्य चल रहा हो, ऐसे लगता है। और हम वहाँ के एक जैसे धूल समान मानव हैं, और हमें इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हमें कितना अच्छा लगता है। और बस वो फिर 40 दिन व्रत के हो गए, फिर 10 दिन, ये 11 दिन जो रामलीला के होते हैं, आहा, ये तो ऐसे लगता है भाई, हमें ये पता भी नहीं लगता जैसे खत्म हो जाते हैं। जैसे ही खत्म होते हैं तो हमारा मन इतना उदास हो जाता है, हमें समझ लेते हम शाम को करें क्या। पहले तो हम सारा वहां जाते हैं रामलीला में, श्रृंगार करते हैं, बनते हैं, सेवा करते हैं, पता भी नहीं लगता 11 दिन ये कैसे बीत जाते हैं, और रात भी पता नहीं लगता, डेढ़ दो ढाई बज जाती है और रामलीला खत्म हो जाती है। भाई इतना मजा आता है, दिल खुश हो जाता है। धन्यवाद।